हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिटेडल के सीजन 1 के बारे में, और बात करेंगे उसके एंड में क्या हुआ और आगे आने वाले जो कुछ सीजन्स या फिर कुछ कहें तो कुछ स्पिन ऑफ्स आ रहे हैं, जिसमें से एक सिटेडल इंडिया भी आएगा जिसमें वरुण धवन और समांथा प्रभु हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो। सो लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मेसन के नाडिया और कार्टर एक सबमरीन पर जाते हैं, जहां उन्हें टास्क दिया रहता है कि उन्हें न्यूक्लियर कोड्स ग्रैब करने हैं, जो कि 8 साल पहले मेसन ने वहां पे अपने खुद आइडेंटिटी से वो कोड्स लॉक किए थे। डालिया के पास मेसन और नाडिया की जो बेटी होती है आशा, वो होती है, और उसी के एक्सचेंज में वो कोड्स मांगते हैं। सो ये मिशन होता है और मेसन केन वो कोड्स ले आता है, लेकिन कोड्स के एक्सचेंज के टाइम वहाँ पे शूट आउट होता है और मेसन को वो कोड याद नहीं रहते हैं, क्योंकि वो इस समय अपनी सारी मेमोरीज ग्रैब नहीं कर सकता, और इसी में वो किसी तरीके से अपनी बेटी को बचाता है और सब वापस चले जाते हैं। जब सब लोग लौट के सिटेडल के हेडक्वार्टर जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है, तो वहाँ हम देखते हैं कि काइल की जो बीवी होती है और उसकी बेटी हेनरिक्स वहाँ पे आते हैं, और काइल उन्हें एपिसोड 1 के बाद वहाँ पे उनसे मिलता है और काफ़ी भावुक हो जाता है। वहाँ पे कार्टर उसे बताता है कि मेसन केन की मेमोरी वापस लाने के लिए एक और सीरम है जो कि उसे लेना होगा, तो उसे मेसन केन की मेमोरी वापस आ जाएगी। लेकिन उसकी बीवी उसे रोकती है, बट मेसन केन वो नहीं मानता है और वो जो सीरम है वो ले लेता है। फिर उसके बाद हम उसे याद आता है कि जो स्पाई था जिसने सिटेडल के सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील की थी डालिया से, वो कोई और नहीं, वो खुद मेसन केन ही था। और हमें ये भी पता लगता है कि डालिया ही मेसन केन की माँ है। सो वो सिटेडल के खिलाफ इसलिए होती है क्योंकि कई साल पहले गलती से सिटेडल ने मेसन केन के पिता और डालिया के हस्बैंड की डेथ करा दी थी एक एयर स्ट्राइक के जरिए। उन्हें लगा यहाँ पे टेररिस्ट होंगे, बट रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स के जरिए उन्होंने कई सारे लोगों को मार दिया, जिनमें से मेसन के पिता भी थे। सो इसी का बदला लेने के लिए डालिया ये सब कर रही होती है, और जब उसे पता लग जाता है सारे सिटेडल के स्पाइस की आइडेंटिटी, तो एक एक करके वो सबको मरवा देती है। यहाँ पे अपनी याददाश्त वापस आने के बाद मेसन केन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज जाता है और काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में भी होता है। लेकिन फिर उसकी बीवी उसे पूछती है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया, तो वो उसे कहता है आई डोंट नो, और वो उससे बातें छुपाता है कि उसे पूरी तरीके से याद नहीं है कुछ भी। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है अभी को लेके, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो उसके पास आई है उनको लेके, और नाडिया और उसकी बीवी उन दोनों के बीच में भी लेके भी वो काफ़ी कंफ्यूज है, जो कि आगे आने वाले सीजन में हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा। ये सीज़न काफ़ी बेहतरीन था और हमने काफ़ी चीज़ें इसमें देखी, लेकिन आगे आने वाले सीजन जिसका हमें टीजर भी मिल चुका है, जो कि होगा सिटेडल डायना, वो अगले साल रिलीज होगा, जो कि एक इटालियन सीरीज होगी। और तो और हमें सिटेडल इंडिया भी देखने मिलेगा, जहाँ पे वरुण धवन और समांथा प्रभु भी उसमें एक्ट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इन लोगों ने एक स्पाई वर्स बना लिया है, तो देखते हैं आगे आने वाले सीजन में क्या होने वाला है। और अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।